और जब गांगुली साहब आए तो गांगुली साहब ने झारखंड से भी प्लेयर उठाए, अलाहाबाद से उठाए, बड़ौदा से आ गया। तो उनके लिए कोई बड़ा छोटा शहर नहीं, उनके लिए अगर आप में टैलेंट है, अगर आप मैच जिता सकते हो भारत को, स्वागत है आपका। वाह यार, ये बेस्ट काम गांगुली की टाइम पे हुआ है। हाँ। फिर धोनी साहब ने टुक ओवर किया, हमेशा लोग बात करते हैं धोनी अच्छा गांगुली अच्छा, भाई गांगुली साहब का जो योगदान था, जो सफर था, जो योगदान है वो अलग था। उस टाइम पे उन्होंने टीम बनाई, बुलाई, धोनी को पिक किया, वो टेम्पलेट बनाना भी बड़ी बात है, को लेके आए, पहले उन्होंने स्क्वाड बनाया। हाँ। फील्डिंग का एक अलग हाई है, अलग अलग मजा है उसका। बैटिंग बॉलिंग तो लोग बहुत बात करते हैं, फील्डिंग को आपने अगर किसी ने गेंदबाज ने खराब बॉल डाली, बल्लेबाज ने शॉट मारा, आप खड़े हो पॉइंट कवर्स पे, डाइव मार के आपने रोक लिया, तो ना ताली मारता दिल से कि बॉस यार खराब गेंद थी, चौका बच गया भाई। मोहम्मद कैफ आदमी आपको वो करता है, तो हाँ मोहम्मद कैफ थैंक यू यार, मुझे ना एक दोबारा अच्छे बॉल डालने का मौका मिला। पर एक्चुअली आपने गेंदबाज को मौका दिया कि दोबारा कम बैक करो बॉस। हम लोग जब शुरू शुरू में नए नए आए थे तो हमारी निगाह तो सचिन के पास थी कि भाई सचिन साहब करते कैसे, क्या उनकी, तो वो जब भी बस में चढ़ के आएंगे तो उनका वो प्रॉपर हेडफोन, जी जी जी, पहले जो सीट जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ आगे इस कार में, उनका वो बस में पहली सीट, बाएं साइड में पहली सीट, वो सचिन तेंदुलकर साहब की सीट है, वहाँ कोई मंडराएगा नहीं आज पास, ना ना ना। चलो कैफ भाई, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी, क्या हाल है? थैंक यू सर, थैंक यू बॉस। यहाँ मुंबई आ गए ना, अभी अपन बॉस बॉस करने का, सिर्फ सब चीज के लिए बॉस बोलते हैं यहाँ पर मुंबई में। हाँ, नाम भी भूल जाओ आप किसी का। पहली बार आया था मुंबई जब मैं करीब 9 या 10 साल का था। अरे वाह। तो मेरे यहाँ रहते हैं रिलेटिव, जी परिवार के लोग हैं, तो आया। एरिया पता है आपको, याद है कौन सा? आई थिंक बाइकुल्ला। हाँ, बाइकला। बाइक क्या? बाइकला। बाइकला, बाइकला में है। और जैसे ही ट्रेन से पहुंचा, बहुत लंबी जर्नी थी, अलाहाबाद से मुंबई, मेरे पिताजी भी थे, मम्मी भी थी। अरे वाह। बहुत घंटे बाद यहाँ पहुंचे मुंबई, लगा पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। आप पूरा लंबा घूम गए थे ना सारा? आई थिंक इट टुक अबाउट 36 hours। वाओ। बहुत पहले तो ट्रेन भी बहुत धीमे चलती थी, अब तो काफी ट्रेनें तेज हो गई। उस लाइन को डिले भी बड़ा कर देते हैं ना भाई। हाँ, रोक दो भाई थोड़ा। तो पहुंचे सीधा, मेरे जहन में था मुंबई मतलब समुंदर। जी, समुंदर। अमिताभ बच्चन की मूवी देखी, देखते हुए हम बड़े हुए, तो समुंदर में नहा के कौन सा गाना था वो, जीना नवान के साथ पुकार वाला गाना, बड़ी नमकीन हो गई। हाँ, तो वो गाना जहन में था, अमिताभ बच्चन, समुंदर। ट्रेन से उतरा, सीधा मैंने अपने कजिन को बोला, मुझे घर नहीं जाना है, मुझे सीधा समुंदर दिखाओ। क्या बात है, व्हाट अ ब्यूटी। सीधा पहुंचे समुंदर और वो मुझे वॉक करके ले गया। हाँ। तो पहले वहां हमने दिन भर मस्ती करी, सुबह ट्रेन आ गई थी करीब 6:30-7 बजे। वाह। सीधा वहां गए अपना बीच के पास, और तो ये मेरा जो मेमोरी है, आपने मुंबई की बात करी, तो वो पहला दिन था मुंबई में, फर्स्ट टाइम ट्रेन के साथ, ट्रेन पे आया उतरा। हाँ। कजिन को बोला चलो, और सीधा गए बीच पे। वाह। और मुझे तैरना पसंद है, मैं जब भी जाता हूँ बीच पे तो मुझे स्विमिंग करना है। सैन लुशिया में इंडिया की तरफ से गया था मैं जब खेलने 2006 में। हाँ जी। सैन लुशिया में मैंने कम से कम, वहाँ शैलो वाटर था। ओके। तो कम से कम 2 या 3 किलोमीटर तक मैं स्विमिंग करी अंदर। अरे वाह। हाँ हाँ, मैं और मेरे फिजियो थे जॉन ग्लॉस्टर उस टाइम पे। जी। और मैं तो अलाहाबाद से हूँ। हाँ। तो गंगा, यमुना, अपस्ट्रीम आप करते होंगे। यमुना में बहुत स्विमिंग करी मैंने। वाह। तो यमुना स्विमिंग में, तो पानी का मतलब स्विमिंग। जी जी जी। और मेरी जो वाइफ है, बीवी, वो उनका पानी का मतलब बीच से बैठना, वॉक करना, पानी में नहीं जाना। पर मेरा पानी कॉन्सेप्ट अलग है, मेरा कॉन्सेप्ट है पानी का मतलब तैरना है। नहीं, नहीं, मेरा भी सेम कॉन्सेप्ट है, चाहे वो समुंदर हो। हाँ। चाहे वो यमुना नदी हो। हाँ। चाहे वो हाई टाइड हो, लो टाइड हो, तो ये कॉन्सेप्ट है समुंदर वाला। वानखेड़े आ गया। जी 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 जी। तो फिर सीधा वानखेड़े की मेमोरीज बता ही दो आप। तो ये वानखेड़े बिल्कुल, आपने देखिए मेरी तो मेमोरी है 96 में मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से यहाँ विजय मर्चेंट ट्रॉफी खेलने आया था, फाइनल्स था। अरे वाह। फाइनल्स यहाँ हम जीते थे, फर्स्ट टाइम ट्रॉफी मैंने एज ए कैप्टन यहाँ उठाई थी। हाँ जी। फिर मैं रणजी भी कैप्टन किया, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता श्रीलंका में। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते हुए। पर शुरुआत मेरी कैप्टनसी की यहीं से हुई थी। ओ वाओ। हाँ हाँ, वानखेड़े पे वो गरवारे, जो गरवारे क्लब है, यस, वहीं रुकने को मिलता था पीछे, उनका जो कमरा बना है पीछे गरवारे क्लब में। हाँ। तो वहाँ रुक के वो, तो वो पहली मेमोरी थी वानखेड़े मुंबई। उसके बाद फिर बहुत सारे मैचेस भी खेलने को मिले, वो जो याद है 2000
आई थिंक 2001 या 2002 था जब इंग्लैंड यहाँ आई थी जी। फ्लिंटॉफ साहब ने हमको हराया था, इंग्लैंड की टीम ने, हम 240-50 चेस नहीं कर पाए थे, समझ गया मैं। तो फ्लिंटॉफ ने जीतने के बाद वो टी शर्ट निकाल के ना अपनी बॉडी वॉडी का थोड़ा सा प्रदर्शन किया था, प्रदर्शन किया था, शो ऑफ किया, और वो लैप मार रहे थे वहाँ। हाँ, तो हम 2002 में इंग्लैंड पहुंचे लॉर्ड्स पे। हाँ, फिर आपने बोला रुक बेटा, आप निकाल साहब ने लॉर्ड्स की बैल्कनी से अपना दर्शाया, अंग प्रदर्शन किया, सिक्स पैक दिखाया वहां से। तो वो कनेक्शन वहां से था, तो स्टार्ट यहीं से हुआ था। जी 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 जी, ये जो लोग देखते हैं 2002 नेटवर्क ट्रॉफी फाइनल की गांगुली साहब ने जो किया, हाँ, उसकी शुरुआत यहाँ वानखेड़े से हुई थी, और फ्लिंटॉफ साहब ने स्टार्ट किया था जी। जीतने के बाद और उसी का कॉम्पेंसेशन वहाँ नेटवर्क में मिला। हमने उनके घर पे जाके उनको जब 225 चेस किए जी, तो हमने कहा ये लो मुंबई आके हमारे घर में टी शर्ट उतारी, हम लॉर्ड्स की बैल्कनी भी टी शर्ट उतारेंगे जी। दादा का वो भाई, वो पूरा क्रिकेट हिस्ट्री का जी, जी, जो पॉप कल्चर मूवमेंट है जी, उनमें वो डेफिनेटली आएगा टॉप 10 मूवमेंट में इंडियन क्रिकेट के नाम पे। तो आप क्रीज पे हो जी, उस टाइम पे आपके अंदर दिमाग में क्या जा रहा है? मेरे दिमाग में जा रहा है कि एंकर रोल प्ले करना है। एंकर मतलब जो मेरा गेम था कि नो, युवराज सिंह सामने है, सिंगल लो स्ट्राइक दो, सिंगल लो स्ट्राइक दो। पर जब खराब बॉल मिलती है तो फिर आपका बैट अपने आप चली जाता है, क्योंकि आप इतना बॉल वॉच करते हो, उस रिदम में होते हो, जोन में होते हो, कि फिर आप अपने आप नो रिएक्शन होता है वहाँ। ओके, बॉल जिस तरह से पड़ती है आप रिएक्ट करते हो, रिएक्ट करने में छक्का भी लग गया, रिएक्ट करने में चौका भी लग गया, पर होशो हवास कामनेस के साथ कि भाई यू नो गलती नहीं करनी, कोई ख़राब शॉट नहीं मारना, अगर मैं आउट हो गया तो फिर बाद में सारे गेंदबाज है, भज्जी है, कुंबले है, और आशीष नेहरा ये सब थे जी जी। तो मैं युवराज वाले किलर थे आप लोग, तो मैंने कहा युवराज का साथ देना है बस। युवराज सिंह आउट हो गए तो फिर मैंने वहाँ से यू नो आई टुक ओवर, शॉट लग गया, बाद में छक्के चौके। तो वो लिखा था किस्मत में, मेहनत फल लाई, मेहनत का फल मिला मुझे, और बिलीफ, भरोसा अपने खेल पे जी। सबसे वानखेड़े की आपने बात करी, उम्मीद करता हूँ इस साल वर्ल्ड कप आएगा। हाँ। इंडिया में है तो 2011 महेंद्र सिंह धोनी छक्का, yes, तो मोमेंट सबको याद है of course, वो ट्रॉफी उठाना। तो मैं उम्मीद करूंगा इस बार, नहीं नहीं हम तो स्टार पे देखते हैं, सब परिवार वालों के साथ, स्टार स्पोर्ट्स पे है वर्ल्ड कप आएगा, वहाँ देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ रोहित शर्मा के पास अच्छा मौका है, रोहित शर्मा इस बार कैप्टन रहेंगे, उनका घर है ये, मुंबई से होम ग्राउंड है। जो काम धोनी साहब ने किया वो हो सकता है रोहित शर्मा के यू नो किस्मत में लिखा हो, और विनिंग हिट मारे, 100 नाबाद बनाए, विनिंग हिट मारे, ये हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। स्टार स्पोर्ट्स पे आप देखिए, वो मोमेंट दोबारा से कैप्चर करने का मौका मिलेगा, सारे जो फैंस हैं उनके रोहित शर्मा के एज ए कैप्टन। तो ये भी मेरी उम्मीद है, आशा है कि रोहित शर्मा वो काम कर सकें इस बार। ये कमेंट्स में आप बताओ आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड, मैं तो प्रेडिक्ट कर रहा रोहित शर्मा के बैट से यहाँ विनिंग हिट आएगी, वानखेड़े का मैदान, स्टार स्पोर्ट्स, यस, देखने का मजा अलग है। मैं लखनऊ गया, मैंने एक शो वहाँ किया था, हाँ, उसमें था सोसाइटी बना स्टेडियम जी। तो बेसिकली वहाँ आप सोसाइटी में जाओ, वहाँ अपने जो आपके फैंस हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनके साथ बैठ के टीवी पे मैंने मैच देखा। मेरे लिए वो बहुत अच्छा तजुर्बा था, बड़ा तजुर्बा था, क्योंकि ऐसा एहसास मुझे कभी हुआ नहीं अपने लाइफ में। हम हमेशा टीवी पे मैच देखते हैं, हाँ, अपने दो चार यार हो गए या घर के फैमिली के लोग हैं, पर लखनऊ मेरा, जो मैं यूपी से आता हूँ, हाँ, तो लखनऊ मैंने बहुत मैचेस खेले, मेरे बहुत सारे दोस्त थे वहाँ। तो सोसाइटी में गया, बच्चे थे, पूरी उनकी फैमिली थी, परिवार था, उनके बीच में बैठ के मैच देखने का जो मुझे मज़ा आया, लुत्फ, Yes, वो मैं भूल नहीं पाऊंगा, बहुत मजा आया वहाँ पे। अभी अभी ये जो मैं आईपीएल, हम जब आईपीएल में भी हमने एक दो मैच कवर किया लखनऊ जाके, अच्छा, तो वहाँ भी टीवी पे स्टार स्पोर्ट्स पे जो मैचेस आए हैं टीवी, हाँ, पे, वहाँ सोसाइटी में मैं गया। ये इनका स्टार स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट था कि हम फैंस के बीच में जाके मस्त है, वहाँ जाके मैच देखना है, और वहाँ बैठे, और मेरे लिए तो बहुत एक अलग फीलिंग थी, अलग फीलिंग थी कि नो आप अपने फैंस के साथ मैच देख रहे हो टीवी पे, हाँ, स्पोर्ट्स पे आ रहा है वो मैच, तो बहुत मजा आया लखनऊ में। तो ये जर्नी भाई, अभी फ्रॉम दैट साइड ऑफ द कैमरा टू बिहाइंड द कैमरा, आप हो कमेंटर जी, कितना प्रेशर होता है, और कितना आपको, क्योंकि आप कुछ भी लाइन ऐसी बोल सकते हो जो बिल्कुल क्रिकेटर की पहचान बन सकती है। सबसे बड़ी बात तो लाइव में क्या होता है, वहाँ रिटेक नहीं है, आपने बोल दिया ना वो गया बस। तो उधर वो बॉलीवुड की शूटिंग नहीं हुआ कि आपने रिटेक मांग लिया कि रिहर्स कर लिया ये, और सबसे मजा वहीं आता है जहां आप नो लाइव हो
अपने फैंस के साथ कनेक्ट कर रहे हो जी, तो उसमें आपको ऑफकोर्स थोड़ा सा प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है। आप क्या बोल रहे हो वो मैं तो शुरू में इतना अच्छा नहीं था, शुरू में बहुत खराब था, मुझे थोड़ा फंबल होते थे। फंबल नहीं, कमेंट्री का इतना आइडिया नहीं था। अच्छा जी। गेम का आइडिया था, खेल का आइडिया था, पॉइंटर्स का आइडिया था, खेल कैसा जा रहा है, कहाँ क्या हालात हो रहे हैं आप बता सकते हो, वो तो तजुर्बे की वजह से। पर कैसे बोलते हो, कैसे बताते हो अपने फैंस को, तो वो नो यू लर्न विद टाइम बेसिकली। अच्छा अच्छा। देखो भाई, आप ना लेजेंड हो एक तरीके से, क्योंकि लेजेंड्स मैच में भी आपने एक लेजेंडरी कैच पकड़ लिया रिसेंटली, तो मतलब दैट जस्ट रीइंस्टिल्स माय बिलीफ इन यू एज द वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग में आपकी माहिरता दिख गई भाई वापस की, अरे अरे कर दिए फिर से। तो ये जो कैचिंग का सिलसिला है जी, इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं, फील्डिंग के बारे में जरा बात करते हैं। फील्डिंग का एक अलग हाई है, अलग अलग मजा है उसका। बैटिंग बॉलिंग तो लोग बहुत बात करते हैं, फील्डिंग को आपने अगर एक मस्ती के तरीके से ले लिया तो फिर आप ना ग्राउंड पे रहना चाहते हो जी, ग्राउंड पे ही रह के, क्योंकि देखिए फील्डिंग में मौका होता है ना, आपने एक मान लो किसी ने गेंदबाज ने खराब बॉल डाली जी, बल्लेबाज ने शॉट मारा, आप खड़े हो पॉइंट कवर्स पे, डाइव मार के आपने रोक लिया, तो ना ताली मारता दिल से कि बॉस यार खराब गेंद थी, चौका बच गया भाई। मोहम्मद कैफ आदमी आपको वो करता है तो हाँ, मोहम्मद कैफ थैंक यू यार, मुझे ना एक दोबारा अच्छी बॉल डालने का मौका मिला। तो वो गेम का जो बहुत छोटे छोटे पहलू होते हैं, लोग इतना उसको डीपली जा नहीं पाते। मैं देखता हूँ कई बार ना, और अच्छी फील्डिंग कह के निकल जाते हैं, पर एक्चुअली आपने गेंदबाज को मौका दिया कि दोबारा कम बैक करो बॉस। वो ओवर से वो ओवर खराब जाता आपका, पर मोहम्मद कैफ युवराज सिंह खड़े आपको, उन्होंने चौका बचा लिया, तो फिर अगली बॉल ना वो फिर सही करेगा, अच्छी बॉल डालेगा, कम बैक करता है। तो ये छोटे छोटे इवेंट जो होते हैं फील्डिंग के जरिए, वो करने का मौका मिलता है। और जो और अब जब कैच लेते हो, रन आउट करते हो ग्राउंड पे, तो एक प्लेयर नहीं, पूरा 10 का 10 बंदा आपके पास आता है, गले लगाता है, क्योंकि आप जब 100 मारते हो, बैट उठाते हो ना, तो फिर आप वहाँ अकेले हो, आपको जो टीममेट्स वो बाहर से क्लैप करते हैं, अंदर नहीं आ सकते, पर जब फील्डिंग करते हो तो अलग मजा है। 10 के 10 जो आपके जिस जो खिलाड़ी हैं वो साथ में आते हैं, गले लगाते हैं, ताली मारते हैं। मैंने जो कैच की आपने बात करी, अगर आप वीडियो दोबारा देखो दोहा में, तो वहाँ सारे प्लेयर भाग के आए। मैं कवर्स पे खड़ा था, गौतम गंभीर शॉर्ट थर्ड मैन से भाग के आ रहा है, इरफान पठान डीप फाइन लेग पे है, भज्जी वहाँ, तो सब लोग ना ग्राउंड के अलग अलग कोने से भाग के मेरे पास आए, गले लगाया। तो ऐसा मंजर सिर्फ फील्डिंग में ही मिल सकता है आपको, जहाँ सारे प्लेयर ना यूनाइटेड हैं और उस वक्त ही आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, बॉस वेल डन यार, क्या कैच लिया। सही बोले आप। ये भाई ये थोड़ी फील्डिंग को लेकर थोड़ी ये भी बात होती है कि डाइविंग आजकल ऐसा हो गया जैसे लोग मतलब थोड़ा कैमरे के लिए तो नहीं कर रहे, लेकिन आपकी जो फिलॉसफी है ना डाइव को लेके, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, बता दो जरा लोगों को। डाइव जब मारना जब डाइव की आवश्यकता हो जी। आपने जो कैच की बात कर, अगर वो कैच को दोबारा देखो, तो पहले मैं ना पैर से भागता हूँ। ओके। क्योंकि पैर से भाग के आप रेंज में ले रहे हो, बॉल के करीब पहुंचते हो, रेंज में जाते हो, फिर वो जो सेकेंड का पांचवा हिस्सा होता है, सेकेंड का पांचवा भाग, वहां आप तय करते हो कि भाई डाइव मारना नहीं मारना, दो हाथ से लेना नहीं लेना, एक हाथ से, क्योंकि जो मैंने एक हाथ से कैच लिया वहां दो हाथ जाने का मौका था ही नहीं, स्प्लिट सेकंड डिसीजन, वो बोला ना सेकंड का जो पांचवा हिस्सा होता है वो उतनी की बात कर रहा हूँ मैं, उतना ही टाइम होता है आपके पास। तो मैं पहले भागा भागा, वो हवा बॉल आ रही है सब, उसमें आपको तय करना है कि यार ये दो हाथ से लेना है, बॉल कितना डिप कर रही है, या ऊपर हवा ना ऊपर की तरफ जा रही है, आसमान की तरफ, या नीचे जमीन की तरफ गिर रही है, सब तब आपको जज करना पड़ता है। करेक्ट। तो बहुत कम वक्त होता है, तो एक हाथ से कैच लिया। पर मैं सबको सलाह नहीं दूंगा जो बच्चे फील्डर बनना चाहते हैं जी, हमेशा फील्डिंग पैर से होती, पहले आपका मूवमेंट प्रिपरेशन पैरों की, पैर से आप ना रेंज में जाते हो और जब बॉल के करीब पहुंचते हो फिर आप डाइव मारो या दो हाथ से पकड़ो। तो दो हाथ से पहले फील्डिंग का प्लान करो, लास्ट सेकेंड में अगर दो हाथ नहीं जा पाता, सिर्फ एक हाथ दाहिना हाथ ही जाता है, तो फिर आप एक हाथ से पकड़ सकते हो। सही। पर मैं तो फील्डर को यही बोलता हूँ हमेशा कि बॉस दो हाथ से फील्डिंग करो। ये भाई आपकी और यूवी पाजी की तो पार्टनरशिप के बारे में बात करनी पड़ेगी। हाँ। आप लोगों ने एक टाइम पे ये बना दिया था सिलसिला कि मतलब ऑफ में तो इंडिया को कोई टच ही नहीं कर सकता, ऑफसाइड। ये दोनों खड़े हैं भाई जी। तो यूवी पाजी के साथ कैसा सीन था भाई, क्या रिलेशनशिप रही यूवी पाजी के साथ? तो क्योंकि हम बहुत साल साथ में खेले, अंडर 16 खेले, अंडर 19 वर्ल्ड कप साथ में जीते। पहली बार जब अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती इंडिया, तो उसमें मैं कैप्टन था, युवराज सिंह थे वहाँ, उनका बहुत बड़ा रोल था। ऑफ कोर्स। तो हम लोग, वो जर्नी थी हमारी, जब इंडिया के लिए आए तो हम लोग सब वो सिस्टम से आए जी, जी, 16 खेल के आए, 19 खेल के आए, तो बहुत ज़्यादा था याराना दोस्ती
यू नो टाइम पास करना, बाहर बैठना, बाहर जाना, डिनर करना, थोड़ी सी पार्टी वार्टी भी कर ली बीच में मुंबई आके. मुंबई का मतलब होता है भाई थोड़ा आउटिंग तो चाहिए बाहर जाके ना, तो वो भी करते थे युवराज सिंह के साथ. तो इसीलिए शायद वो मैं नेटवर्क ट्रॉफी हम जिता पाए, क्योंकि एक वहाँ एक ऐसा प्लेयर सामने था जिसको मैं जानता था बहुत करीबी, तो बहुत कंफर्ट फैक्टर था. साथ में खेला हूँ उसके बारे में, उसके बर्ताव के बारे में मुझे पता है वो क्या सोच रहा है उस वक्त. उसको सिंगल चाहिए, स्ट्राइक चाहिए, तो मैं सब. और हम अब अगर वो मैच देखा हो तो हम बहुत बात नहीं कर रहे थे. नहीं नहीं नहीं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी साहब कप्तानी करते ना वो इशारों में करते हैं. जी जी बस. हम लोग भी उस टाइम 2002 में सिर्फ आई कॉन्टेक्ट में अगर आप देखें तो सारी बात बयां कर रहे थे कि भाई गौर करना पड़ेगा भी बहुत दूर से. हाँ देखो मैच देखो, अगर तो हम ज्यादा बात नहीं कर रहे, छक्का मारने के बाद भी ऐसे पंच किया. हाँ. और आई कॉन्टेक्ट, नो आई कॉन्टेक्ट में आपको दिखेगा वहाँ कि हम क्या फील कर रहे हैं, क्या मोमेंट है. और उस मोमेंट में आप पूरी तरह समाना समा जाओ, ऐसा ऐसा प्लान था हमारा. तो हम वही कर पाए. क्या बात है. इसीलिए वो शायद नेटवर्क ट्रॉफी हम जिता भी पाए, क्योंकि वहाँ युवराज सिंह मैं दोस्ताना अंदाज जानना प्लेयर को बहुत अच्छी तरीके से. और एक प्राइड नो एक ले भी हो जाती है, गर्व की बात होती है कि ना ऐसा मौका मिला नंबर 6-7 जाके गेम को फिनिश करो भारत के लिए. तो भी दिल में था एहसास. जब वो चले गए फिर आपके पास प्रेशर सडनली, आपको ऐसा नहीं लगा यार शट अप मेरे को लेके जाना है आगे तक? नहीं, जब वो आउट हुए तो मुझे लगा यहाँ से ये मैच जीतना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है. तो जब जो है वो मैं अकेले करना पड़ेगा, क्योंकि और जो बल्लेबाज है कुंबले भज्जी, बल्लेबाजी करना जानते थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप 325 चेस करो जहाँ गेंदबाजों ने आके ना कभी मैच जिताया हो भारत को, ऐसा बहुत कम हुआ है. कुंबले साहब बैटिंग करना जानते थे, उनको तो गलत आउट दे दिया उस मैच में, आउट थे नहीं वो. वही वही अगर वो देखो फ्लिंट ऑफ की बॉल कॉट बैंड दिया, उनका बल्ला बॉल पे लगा नहीं था, वो बड़े नाखुश थे उस टाइम में, बहुत गुस्से में थे वो. जी जी जी, वो वॉक ऑफ में ही मालूम पड़ जाता है उनका. तो ये सब हुआ. और जिस जगह से मैं आता हूँ जी, अलाहाबाद, अभी उसका नाम प्रयागराज हो गया, तो मैंने बचपन में ये इनिंग बहुत खेली है. चलो वो तो मोहल्ले वाली इनिंग थी कि जहाँ नॉट आउट आया, बाद में ना मैच जिता के ऐसी पारियों में खेलता था बहुत. अच्छा. पर इंडिया की अलग बात है, इंडिया में जा के लिए आप नो लॉर्ड नेशनल टीम पे वो सब तो बहुत अलग ही एक फीलिंग ही अलग है, फीलिंग है एक अलग माहौल था, हालात थे. पर क्योंकि मेरे पापा बोलते थे बेटा आउट नहीं होना है, बेटा नॉट आउट आना है, तो नॉट आउट आने की जो एक लास्ट में विनिंग हिट मार के आना है, तो वो बचपन से ट्रेनिंग मैंने काफी ली अलाहाबाद में. काफी अच्छे अच्छे प्लेयरों के साथ में नो मेरा बचपन गुजरा, उनके साथ मैंने मैचेस खेले. रिंकू सिंह की बात कर ही ली जाए फिर तो, अभी मतलब भाई किल कर दिया उन्होंने तो रिसेंटली, है ना. ये ऐसे प्लेयर को देख के आपको क्या लगता है भाई कि मतलब आप आई ऑल लाइक, जैसे आपने भी रोहित शर्मा का मैनिफेस्ट किया, आई ऑल टेकिंग अ बेट इन योर हेड कि भाई ये बंदा बहुत आगे जाएगा टाइप्स जाएगा, है ना, जाएगा आगे जाएगा. क्योंकि मैं प्लेयर को ना थोड़ा उसका बैकग्राउंड देखना पसंद करता हूँ, कहाँ से आता है, उसकी जर्नी क्या है. वो यूपी के ही है, अलीगढ़ के हैं. वो जब अपना आखिरी सॉरी पहला उनका जो पहला मैच था यूपी के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में, वो मेरा लास्ट ईयर था यूपी के लिए. अच्छा जी. मैं नंबर 3 खेला, मैंने 70 मारे, वो नंबर 4 आया, 80 बनाए उन्होंने, 80 मारे. अरे वाह. तो एक साल खेलने का मौका मिला उनके साथ. हाँ. बहुत मेहनती प्लेयर हैं. अच्छा. बहुत मेहनती प्लेयर हैं, जहनी तौर पर बहुत मजबूत. क्योंकि आप जब लास्ट बॉल लास्ट ओवर फेस कर रहे होते हो तो वहाँ फिर काबिलियत हुनर तो आप होता ही है जी, पर कितने मजबूत हो मेंटल 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 स्ट्रेंथ, वो पूरा खेल वहाँ ज़हन पे आ जाता है कि मनोवैज्ञानिक तौर पे कितने ज्यादा मजबूत हो. तो मजबूती लोग बोलते हैं ना कि यार निर्णय लेना, अपने ज़हन को बताना कि बॉस ये सही कॉल है इस मोमेंट पे जहाँ दबाव ज्यादा है, तो वो सही कॉल लिया, बॉल को वेट किया. उनके अगर शॉट देखें तो बिल्कुल उनके चेहरे पे कोई शिकस्त नहीं है, कोई ऐसे एक दबाव नहीं है. आप नो यू कैन मेक आउट कि बॉस ये लास्ट ओवर को एंजॉय कर रहा है, क्योंकि इतनी ट्रेनिंग वो करके आए हैं, डोमेस्टिक में बहुत रन मार के आए, यू नो हर रणजी मैच में 102 नॉट आउट. अगर आप यूपी का पेपर उठाओगे ना हिंदी पेपर, हाँ जी, तो वहाँ रिंकू सिंह का नाम छाया होता है. अच्छा. जब भी वो डोमेस्टिक, वो ट्रेनिंग मैंने बोला ट्रेनिंग आपको वहाँ मिलती है, वहाँ काम आ जाए. डोमेस्टिक में ट्रेनिंग लेके आते हो क्योंकि वो आपका मेन ग्राउंड है, ट्रेनिंग ग्राउंड है. क्योंकि तो फॉर्म लेके आए, जो काम दुनिया के बेस्ट फिनिशर नहीं कर पाए, पोलार्ड थे, रसल साहब जो मतलब नामी फिनिशर ख्यात था, प्रसिद्ध, धोनी साहब का भी नाम जोड़ लो, धोनी साहब भी फिनिशर है. हाँ जी. पर 5 बॉल 5 छक्के यार, कौन किसने अभी तक नहीं किया, मतलब इतिहास उठा के देख लो आप. या, या, और वो अनकैप प्लेयर है, इंडिया के लिए खेला भी नहीं है,
अनकैप प्लेयर ने 5 बॉल 5 छक्के, मैं आपको अगर ना अंडर आर्म फुल टॉस दूं ना, आप 5 छक्के नहीं मार पाओगे लास्ट ओवर में, नहीं मार पाओगे। अंडर आर्म ऐसे दूंगा ना, करेक्ट, 5 बॉल 5 छक्के, इतना दबाव होता है, इतना प्रेशर होता है भाई। अपन 2002 की बात कर रहे थे, 2003 के बाद करे बिना तो अपन रह नहीं सकते। देखिए थोड़ा जो भी आउटकम रहा डिसअपॉइंटिंग, बट उस मैच में भी आपने कहा कि ऐसे कि सचिन भाई का रजाक भाई कैच छोड़ते नहीं तो कुछ काया पलट होती उस मैच की, क्यों? जी 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 जी, वो अभी मैं वसीम अकरम के साथ था वही तो दोहा में, तो उनसे जिक्र हुआ इस बात का जी कि उन्होंने अकरम साहब बॉलिंग कर रहे हैं, मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे था, सचिन की 100 की पार्टनरशिप हुई थी वही तो, क्योंकि जब मैं गया तो हैट्रिक बॉल थी वो जी, सहवाग साहब गांगुली साहब आउट हो गए थे बैक टू बैक बॉल पे, वकार यूनुस गेंदबाज थे, तो मैं हैट्रिक बॉल फेस करने गया, मैंने कहा ना वकार यूनुस को मैं पहली बार खेल रहा था, वकार यूनुस वसीम अकरम ये सब बड़े लेजेंड्स हैं, बड़े नाम, तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ था कि भाई हैट्रिक बॉल है भाई, पहले अपना विकेट बचा रहे, बहुत बदनामी होगी अगर आप हैट्रिक पे मोहम्मद कैफ का नाम है आ गए, तीसरी बॉल पे हैट्रिक वाला जो आजकल ना आपने वो चलता है क्विज, यस करेक्ट, क्विज बहुत चलता है, तो मैं वहां पक्का आता उस लिस्ट में कि अगर हैट्रिक हो जाती ना तो हर क्विज में मेरा नाम चलता कि हैट्रिक वकार ने हैट्रिक ली वर्ल्ड कप में अगेंस्ट इंडिया। ओह माय गॉड, तो अल्लाह का शुक्र है बच गया, भाई 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 भाई। बच गया मैं तो, पहली बार मैं बॉल पे बहुत नर्वस था, मैंने कहा कि बॉल कैसे भी निकाल लो, मुझे मालूम जो स्लिंगी एक्शन था ना वो बॉल अंदर ही मारते थे, अंदर डेंजर है भाई, डेंजर बॉल, मैंने कहा बहुत तेज बॉल आने वाली है, तो बॉल एक्चुअली बहुत तेज नहीं आई क्योंकि उनका वो करियर का एंड था वो, तो मैंने कैसे जैसे भी तैसे करके उसको मैंने बचा लिया, बैट से आगे बैट रखा, बैट पीछे था आगे रखा, तो बॉल को मैंने डिफेंस कर लिया, मैंने कहा दो 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 रकात शुक्राना पड़ेंगे कि भाई हैट्रिक नहीं हुई शुक्र है ऊपर वाले का। उसके बाद 100 की पार्टनरशिप हुई, फिर आपने कैच की बात करी, तो वसीम अकरम साहब ने रजाक को पीछे किया था, भाई थोड़ा पीछे रहो, बहुत आगे खड़े हो, पीछे रहो, तो अकरम ने बॉल डाली, सचिन ने ऑन दिया जो उनका ट्रेडमार्क शॉट है कि सामने फुल फेस ऑफ द बैट सामने मारते मिड ऑफ की तरफ मारा, तो वो बॉल हवा में गई और रजाक साहब ने जंप किया, उनके हाथ में लग के निकल गई बॉल, कैच पकड़ नहीं पाए वो, तो अकरम साहब ने बॉल डालने के बाद देखा उसको और रजाक को बोला भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, तो अकरम साहब खुद बोले मुझे कि यार, मैंने कहा वो देखा मेरे बगल में खड़ा हुआ था, तो बेसिकली वो खड़े थे 30 यार्ड की जो 30 यार्ड सर्कल होता है वहाँ छोड़ के वो 20 यार्ड 25 यार्ड के 22 यार्ड पे खड़े थे, तो अगर पीछे थोड़ा होते शायद वो कैच पकड़ लेते, तो वो अकरम साहब ने एक्सप्लेन किया उनके जमाने कभी आप सुनिएगा जी कि यार इतने क्या कर रहा है तू, पंजाबी में पंजाबी बोलते हैं ना, तो ये तू इतने क्या कर रहा है, तो वो कैच छूटा उनका, उसके बाद सचिन साहब ने 98 रुके नहीं, वो तो अलग मूड में थे यस, उस टाइम सचिन साहब का फॉर्म ठीक नहीं था, अगर मैं आपको थोड़ा और बताऊँ इस डिटेल में बताऊँ, हम लोग न्यूजीलैंड का दौरा करने के बाद पहुँचे वर्ल्ड कप खेलने साउथ अफ्रीका, वो आउट ऑफ फॉर्म थे, सचिन साहब आउट ऑफ फॉर्म, सारे बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म, वहाँ सीमिंग ग्रासी कंडीशन, मतलब बहुत मोमेंट था बॉल में, तो हम रन बना नहीं पाए, वहाँ पहुँचे साउथ अफ्रीका प्रैक्टिस मैच भी हार गए, एक और मैच हार गए, हमने कहा यार भाई गड़बड़ है, हाँ लोग हमारे घर पहुँच गए इलाहाबाद में कि यार, फिर ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए, ऑस्ट्रेलिया से बहुत बुरी तरह हारे, पहला मैच गंदा सीन हो गया, पुतले उतले, हाँ घर पहुँच गए, लोगों ने हंगामा कर दिया इंडिया में कि भाई वर्ल्ड कप में इतनी बड़ी टीम गई और गांगुली साहब कप्तान है कुछ कर नहीं पा रहे वहाँ। फिर हमने मीटिंग करी, सचिन साहब थे मीटिंग में, जॉन राइट थे, कुंबले, द्रविड़, गांगुली, सारे सीनियर प्लेयर्स बैठे, उन्होंने बोला कि यार हमें पता है हम अच्छे प्लेयर हैं, हमें पता है हम अच्छी टीम है, अभी थोड़ा ख़राब दौर से गुजर रहे हैं, हाँ पर हम कमबैक करना जानते हैं, हमारे पास वो है काबिलियत कि हम कमबैक कर सकते हैं, जो पीछे हो रहा है वहाँ से थोड़ा सा स्विच ऑफ करो, गेम पे फोकस करो। सचिन साहब ने खुद मीटिंग बोला कि बॉस इंडिया में जो हो रहा है वो छोड़ो, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में कल जाके मैच जीतना है, और वो सब जो बातें हुई हैं उसमें यंग प्लेयर इतना ना मोटिवेट हो रहा है कि यार सीनियर प्लेयर्स आपको बात कर रहे हैं वहाँ पे मीटिंग में, क्या बात। फिर हमने कमबैक किया, फिर सचिन साहब के रन रुके नहीं, हर मैच में 100 180 90, और उस वर्ल्ड कप में वो आई थिंक मैन ऑफ द सीरीज बने, मैन ऑफ द सीरीज थे उस वर्ल्ड कप में 2003 में, इनफैक्ट जो कि हम फाइनल हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से, हाँ जी,
तो मैंने वो जर्नी देखी है सचिन साहब की, जहाँ वो रन नहीं बने, फिर वो नेट से बैटिंग नहीं करी, इसे थ्रो डाउन करते थे, भाई मुझे थ्रो डाउन दो थ्रो डाउन दो, अपना बॉल ना बीच में लगाना लगाना सामने मार के ना, तो ऐसे कम बैक किया, ऐसे फॉर्म में आए वो। हम लोग बहुत भाग्यशाली थे कि हमें सचिन तेंदुलकर सचिन साहब के एरा में खेलने का मौका मिला। हम तो उनको देख के बड़े हुए, हम तो उनकी शॉट की यू नो कॉपी करते थे कि इस तरह सचिन मारते स्ट्रेट ड्राइव सामने स्ट्रेट ड्राइव। हम जब मैं कानपुर हॉस्टल में था जी, तो उनकी शॉट की हम नकल करते थे कि भाई सचिन साहब ऐसे शॉट मारते हैं। जब मैं खेला मेरा डेब्यू मैच था इंडिया के लिए, तो वो कैप्टन थे टेस्ट वाला ना, टेस्ट मैच 2000 की बात है, मार्च में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बैंगलोर में, वो कैप्टन थे और कैप उनके हाथ से मिली, फोन आया रात में कि तुम कल मैच खेलोगे। हाँ जी। ओ रात भर सो नहीं पाया, मैंने कहा सचिन साहब ने फोन किया कल तुम मैच खेलोगे, मेरे कैप्टन थे वो। वाओ व्हाट अ फीलिंग। अब बात ही कर रहे हैं तो दादा की कैप्टनसी भी बात करनी जरूरी बनती है, क्योंकि दादा साहब में एक सबसे अच्छी बात थी कि ना वो बहुत ऑनेस्ट ईमानदार। जब वो आए तो उससे पहले शायद जोनल सिस्टम था कि यू नो साउथ के प्लेयर डोमिनेट करते थे, वेस्ट के प्लेयर डोमिनेट करते थे। पर जब गांगुली साहब आए तो गांगुली साहब ने झारखंड से भी प्लेयर उठाए, अलाहाबाद से उठाए, बड़ौदा से आ गया, तो उनके लिए कोई बड़ा छोटा शहर नहीं। उनके लिए अगर आप में टैलेंट है, अगर आप मैच जिता सकते हो भारत को, स्वागत है आपका। बायर ये बेस्ट काम गांगुली की टाइम पे हुआ है। हाँ। फिर धोनी साहब ने टुक ओवर किया, हमेशा लोग बात करते हैं धोनी अच्छा गांगुली अच्छा, भाई गांगुली साहब का जो सफर था जो सफर था जो योगदान है वो अलग था। उस टाइम पे उन्होंने टीम बनाई, बुलाई, धोनी को पिक किया, वो टेम्पलेट बनाना भी बड़ी बात है, को लेके आए, पहले उन्होंने स्क्वाड बनाया और प्लेयर को बैक किया जी, प्लेयर को बैक किया। अगर मुझे याद है कि जो मेरा रोल था नंबर 7 पे जी, नंबर 7 पे मुझे गांगुली साहब ने कई बार बोला कि यार कैफ मुझे पता है नंबर 7 पे ना ओवरसीज कंडीशन में शायद ज़्यादा ओवर मिल जाए, कि वहाँ स्विमिंग कंडीशन होती तो बल्लेबाज जल्दी आउट होते हैं, पर इंडिया में जब होता है सब कॉन्टिनेंट में तो वहाँ सहवाग साहब हैं, सचिन हैं, द्रविड़ है, लक्ष्मण है, ये बारी आपके आने देंगे नहीं। तो मुझे पता है कभी 3 ओवर खेलने को मिलता है, कभी 4 ओवर, कभी 2 बॉल, तो आपको जाके मारना होता है टीम के लिए बस। तो ये बात ही बोलना कि मतलब आप देखिए वो उनको कनेक्ट करना आता है प्लेयर से, मनोबल बढ़ता है ना भाई, कनेक्ट करना आता है कि भाई बंदा फिर ना ऐसा हो जाता है कि अपनी जान निछावर कर देंगे भाई जी। जान निछावर भाई, गांगुली साहब आप बोलो हुक्म करो। हाँ। हुक्म करो, हाजिर रहे, ऐसे गिरने के लिए तैयार थे, डाइव मारो, ये करो, कुछ तो करके दिखाना है गांगुली के लिए, भारत के लिए, क्योंकि वो ऐसा बंदा था कि उसने आके बताया कि बॉस तुम 30 बॉल 30 रन बनाओ मेरे लिए 100 के बराबर है, क्योंकि तुम्हें मौका नहीं मिलता, मौका तुम नंबर 7 जाते हो, आपके पास इतने मौके नहीं ओवर खेलने के, पर 30 रन 30 बॉल मेरे लिए आपने अपना काम कर दिया, बाकी दुनिया के बोल रही हो छोड़ दो आप, शायद तुम्हें स्टैट में तुम्हारे 50 वहाँ नहीं आए कि यू नो अगर कोई मेरा स्टैट देखेगा यहाँ कितने तुम्हें 50 बनाए करियर में, करेक्ट, तो शायद वहाँ तुम्हारा नाम ना आए। हाँ। पर मेरे लिए आप बहुत अहम खिलाड़ी हो, फिनिशर हो आप, फिनिशर हो, और आपने जो काम जो कर रहे हो वो और लोग नहीं कर पाएंगे जी, ये भी है जी जी, अगर मैं ओपनर को नंबर 7 लाऊंगा तो वहाँ नहीं खेल पाएगा वो। हाँ। तो ये सब बातें बोलना यार, मतलब ये कैसा होता है भाई, किस बंदे के लिए क्या कर दूं। आप बोलो गांगुली साहब, बोलो करना क्या है। नहीं उनकी टेम्परमेंट की बात होती ना, मेरे को ये लगता है डरते कितना थे फिर आप लोग, कि मतलब भय रहता था क्या थोड़ा बहुत कि भाई कुछ बोल ले दादा तो टेंशन जी नहीं है, या चिल था माहौल? नहीं माहौल चिल था, माहौल चिल था, क्योंकि हम लोग एक तो सीनियर प्लेयर्स थे, फिर मैं, युवराज सिंह, जहीर खान, सहवाग, भज्जी, हम सब काफी लोग नॉर्थ इंडिया से आते हैं, तो नॉर्थ इंडिया वाले थोड़ा गबरू टाइप को आते हैं, गबरू मस्ती मजाक, तो हम लोग ज्यादा साउथ के लोग से द्रविड़ साहब प्रॉपर प्रिपरेशन फोकस, लक्ष्मण, कुंबले, जगदल, श्रीनाथ, तो साउथ वर्सेस नॉर्थ ऐसा हो गया। हम लोग थोड़ा सा खाओ पियो ऐस करो भी होता है बाद में। हाँ, हम लोग थोड़ा जरा मस्ती मजाक, टांग खींचने एक दूसरे की, तो हम लोग कभी पीछे नहीं थे, जब भी मौका मिले गांगुली साहब का या द्रविड़ साहब का या कुंबले साहब का, अगर मौका मिलता था तो उनकी नकल करना। अच्छा, कुंबले साहब थे, कुंबले साहब युवराज सिंह पॉइंट पे, मैं कवर्स पे हूँ, और आपको पता है अगर कवर पॉइंट पे बॉल जाएगी तो बल्लेबाज दिक्कत में, वो रन नहीं लेगा, क्योंकि पता है युवराज वहाँ से कट कर रहा है एंगल, मैं कवर से एंगल कट कर रहा हूँ बस, तो श्योर शॉट सिंगल जो मतलब बिल्कुल सिंगल हो वही मिलेगा, वही मिलेगा, बिल्कुल बीच में बॉल होगी जी, वहाँ भी कुंबले साहब कैफी यू कम ऑन यार रन नहीं है। मैं बोला भाई
तो युवराज सिंह उस टाइम भी तो हम कुछ नहीं बोलते थे पर बाद में जब मैच इनिंग की ब्रेक में वो छे और मैं साथ तो हम लोग ना शावर और लेके ना बैठते थे गप्पे मारने तो युवराज सिंह मुझे बोलेगा कैफी कम ऑन मतलब भाई कैसे करेंगे दुनिया का कोई चार पांच जॉन्टी रोड्स ले आओ वो सिंगल नहीं बचा पाएगा वो श्योर शॉर्ट सिंगल है वो पर अनिल भाई को वहां भी मतलब वो परेशान कि भाई हाँ कि भाई रन कैसे हो गया जी 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 तो हम लोग कभी उनकी नकल उतारना तो बस ऐसी सफर कट गया ये तो मेरे को नहीं पता था आप लोग एक्टिंग हम लोग शौक किया थोड़े से नहीं नहीं मैं हम लोग यूपी वाले यार वो पंजाब का जहां मौका मिलता था हम लोग ऑफ कोर्स मौके में चौका पर इज्जत थी उनकी इज्जत यहां है नहीं नहीं ऑफ कोर्स इस वजह से तो आप जी थोड़े भय में ये कर रहे हो ना कि भाई थोड़ा मजाक करके आप पास पा ले अपने को पीछे हां तो ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल होता था इस टाइम पे सारे मतलब लेजेंड्स आप चिल कर रहे हैं नहीं माहौल तो मस्ती मजाक वाला जी मतलब एक तरफ सीनियर प्लेयर्स जिनकी रेपुटेशन है जिनको प्रूव करना बार बार कि भाई नो द्रविड़ साहब हैं उनका एक दौर ऐसा है जहां वो विकेट कीपर बन गए विकेट कीपिंग कर रहे थे तो द्रविड़ जैसा प्लेयर नहीं मिलेगा आपको राहुल द्रविड़ जैसा टीम मैन आपको नहीं मिलेगा वो टेस्ट मैच में ओपन करवा लो वो ओपन के लिए राजी हैं ऑलराउंड उनको आप बोलो कीपिंग कर लो क्योंकि नंबर 7 पे मुझे मोहम्मद कैफ चाहिए क्योंकि वो बैटिंग और फील्डिंग लेके आता तो उसके लिए आपको कीपिंग करनी पड़ेगी जी हाँ भाई मैं तैयार हूँ तो निस्वार्थ दरिया दिल इंसान अच्छा जी आपको नहीं मिलेगा अरे वो टीम के लिए उसने सब कुछ किया भारत की टीम के लिए नहीं वो तो है वो तो निश्चित है बट हाउ वाज ही विद लाइक एज अ टीम प्लेयर लाइक विद यू एनी इंसिडेंट जो आपको कुछ याद हो तो नहीं हम लोग क्या था हमारे देखिए आप दो तीन तरीके से आप खेल सकते सीख सकते हो गेम को एक तो जस्ट बाय वॉचिंग कि आपके सीनियर प्लेयर्स का रूटीन क्या है सचिन साहब क्या करते हैं भाई हम लोग जब शुरू में नए आए थे तो हमारी निगाह तो सचिन के पास थी कि भाई सचिन साहब करते कैसे हैं क्या उनकी तो वो जब भी बस में चढ़ के आएंगे तो उनका वो प्रॉपर हेडफोन जी 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 पहले जो सीट जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ आगे इस कार में उनका वो बस में पहली सीट बाय साइड में पहली सीट वो सचिन तेंदुलकर साहब की सीट है वहाँ कोई मंडराएगा नहीं आस पास ना ना तो वही बैठते थे हेडफोन उनका अपना रूटीन जाके नॉकिंग करना ओके तो हम लोग सब ना उनको देख के कॉपी करेंगे भाई कॉपी मतलब कि यार इतना बड़ा प्लेयर कैसे बन गया आप चाहते हो ना सीखना कि यार जी 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 उनसे बात करने की हिम्मत तो थी नहीं हाँ कि वो अपने अलग मैच के टाइम पे सचिन साहब एक अलग जोन में है ओके मतलब एक दूसरा अवतार है दूसरा बंदा निकल के आया कि यार मैच के टाइम पे ब्रेकफास्ट से लेके टीम बस में घुसे उतरे अपना कपड़ा अपना वो उन्होंने कॉफिन जो जहाँ पैड डालते हैं खोला वहाँ भगवान की तस्वीर है वो भगवान को छुएंगे शुरुआत ही ऐसा करते थे फिर बैट निकालेंगे बैट को ना वो फेविक्विक से जो कहीं वो लकड़ी जकड़ी कर हिल गई टूट गई वहाँ चिपकाना टेप बांधना उनकी मैच की प्रिपरेशन ही अलग थी ओके तो हमें तो हमारी तो हिम्मत नहीं थी कि उनसे जाके पूछ लें कुछ मैच के दिन कि सर आप क्या सोच रहे हो क्योंकि वो अलग जोन में है वो हेडफोन नहीं उतारेगा नहीं उसको बात ही नहीं करनी किसी से वो इतने जोन में बैटिंग के अपने जोन में कि भाई भारत के लिए वो खेलने आया उसके लिए हर एक मैच इंडिया के लिए एक करो या मरो का मौका था करो या मरो यही आज का दिन ही महत्वपूर्ण है तो वो अलग लेवल डेडिकेशन अलग, है भाई अलग, तो अरे अलग बॉस बैटिंग के बाद उनका रूटीन था फील्डिंग का बिना फील्डिंग करे वो ड्रेसिंग रूम में नहीं जाएंगे बैटिंग करी नॉकिंग करी पैड वैड रखा साइड में या तो नेट्स पे आ गए बॉलिंग करी फिर या तो कैच लिया मतलब 3-4 घंटे वो पूरा इन्वॉल्व है वहाँ पे ये नहीं कि बैट के साइड में ना बैटिंग कर ली अब चिल चाय कॉफी आ रही चिल करो कोई चिल नहीं चिल तो भूल जाओ वो इतना इन्वॉल्वमेंट है कैप्टन से बात करना नेट पे रहना अभी वो मस्ती करना कि तुझे मैं अभी देख बॉल मारता हूँ अंदर मारता हूँ इंसिंग डालता हूँ और कैके इंसिंग डालना कैके लेग स्पिन मारना कैके गुगली मारना यार ऐसा प्लेयर ऐसा खिलाड़ी मैंने नहीं देखा मुंबई आपका सेकेंड होम जैसा हो रखा है अभी हाँ अरे स्टार की वजह से आना होता होगा ज़्यादातर जी जी क्योंकि अगर आपको कमेंट्री करना है या आपको कोई भी अगर ब्रॉडकास्टिंग में हो तो आपको घर छोड़ना पड़ता है मुंबई आना मेरी वाइफ तो बहुत नाराज़ रहती मुझसे उससे मैंने उससे वादा किया था कि जब मैं रिटायरमेंट लूँगा ना जी तो मैं बहुत टाइम तुम्हारे साथ बिताऊँगा तो उसने बोला वादा खिलाफी हो गई है वादे पे आप रुके नहीं अब तो और ट्रैवल कर रहा हूँ हाँ जी तब मैं अब इंडिया का मैच चलता है तो फिर
हमें आके घूम कर कॉमेंट्री करनी पड़ती है। तुम्हें दिल्ली से मुंबई तो ऐसा हो गया है कि बस पकड़ ली ऐसे। हाँ मतलब दिल्ली मुंबई हो गया कि अब चलो यार बाहर ना वॉक करके आते हैं, खाना खाया चलो बाहर टहल के आते हैं, सब कुछ टहल चलो मुंबई की फ्लाइट ले लेते हैं ऐसा हो गया। और ये एरिया एरिया कोई आपके मुंबई के ज़्यादा ऐसा जो आपको पसंद हो, जो आपको? अच्छा फर्स्ट टाइम मैं यहाँ रुका इस तरफ, मतलब मैं पहले खेलते वक्त तो बहुत रुका हूँ यहाँ पे साउथ बॉम्बे में, ये नरीमन पॉइंट के आसपास। जी जी जी। पर इस बार स्टार स्पोर्ट्स के थ्रू जरिए उनके यहाँ रुकने का मौका मिला। वाह। और क्योंकि पहले मैं खेलने जब आया भारत के लिए तो वहाँ मैक्सिमम 3 दिन 4 दिन 5 दिन रुके, फिर और आगे निकल गए नेक्स्ट मैच खेलने के लिए। तो आप लोग उधर ही वांकड़े के गेस्ट हाउस में रुकते थे? नहीं, हमारा ये था ताज महल में बहुत रुके वहाँ शुरू में, तो पर वहाँ इतना लंबा रुकना नहीं हुआ। अभी तो मैं अब आया हूँ तो 20-25 दिन एक ही होटल में वो सेम रूम, तो मुझे ये एरिया बहुत पसंद आया नरीमन पॉइंट का। आप ना वॉक कर सकते हो मरीन ड्राइव के आसपास, मैं तो रात को ना निकल जाता हूँ, वहाँ लोग ना ऐसे ताता लगा रहता है भाई, इतनी भीड़ होती है तो, और समुंदर की हवा जी, क्योंकि आप दिन भर स्टूडियो में होते हो वहाँ बंद इन्वायरमेंट होता है, एसी में रहते हो, तो मुझे एक्चुअली थोड़ा इतना आउटडोर पसंद है। हाँ हाँ, मैं मुझे फ्रेश एयर पसंद है। हाँ। इवन दिल्ली में जा रहता हूँ गुड़गांव में, वहाँ भी बैल्कनी है तो नो फ्रेश एयर, वहाँ बैठ के हम चाय कॉफी बच्चों के साथ ऑफकोर्स। तो यहाँ भी ना मरीन ड्राइव पे मैंने बहुत वॉक करी रात में, तो अलग ही माहौल होता है रात में तो यहाँ पे। नहीं एक नंबर। मुंबई के लोगों के बारे में और मुंबई की भाषा अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगती है तो बताओ कुछ। भाषा थोड़ी टपोरी वाली है एक्चुअली। हाँ थोड़ा ऐसा है, हिंदी भाषा थोड़ा वो स्लैंग ज्यादा यूज करते हैं। स्लैंग मैं बहुत तो जाता हूँ लखनऊ इलाहाबाद से, तो मेरा हम और हम आप ऐसे करके बोलते हैं, यहाँ बहुत स्लैंग है। यहाँ मराठी में अगर आप देखें भाई, तो जो अपने को लगता है तू तड़ा के बात हो रही है, वो तू तड़ा के नहीं हो रही होती, वो यहाँ तू तुम ही चलता है क्योंकि वो मराठी में तुम ही होता है ना, तुम ही। अच्छा तुम ही, तो वहां से आता हूं, तो वो लोग आपको प्यार से ही बोल रहे हैं बट तुम बोल जाते हैं। ऐसा लगता तो नहीं है। हाँ, ऐसा लगता नहीं क्योंकि होता है, सत्य आपको जैसे अभी अभी चल रहा आईपीएल में मुस्कुराइए अब लखनऊ में, तो देखिए इतना अदब एक लाइन में आपको वो जो सब गुड़ का घोल है ना उस लाइन में, तो वो मीठापन है। तो मैं जहां से आता हूँ वो अदब तहजीब, तो और अमिताभ बच्चन साहब भी इलाहाबाद से ही हैं, मुंबई में रहते हैं, उनका तो कोई आप उनका तो पूरा बस गए आके 30-40 साल से यहीं रह रहे हैं वो। ये मुंबई स्लैंग के बारे में अगर आपके कोई फेवरेट वर्ड्स हो तो बताओ। देखिए मराठी क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत खेले मुंबई में, जब भी यूपी से खेलने आए तो बहुत मैचेस हुए। हाँ। तो ये आई सगो क्या होता है? गाली मतलब वो गाली नहीं है मतलब गाली ना देने के बजाय आप जा महिला। हाँ, ये गाली क्या? ये भी गाली नहीं है। गाली नहीं है। अच्छा तेरी माँ की तुझा महिला। अबे यार तू क्या कर रही है? अबे तू यार आ रहे हैं देख वैसा देख। हाँ, वैसा तो वो बहुत सुना क्योंकि मैं जब क्योंकि ये जमाना कीपर बहुत बोलता है जी, और बैटिंग कर रहे हो तो कीपर खड़ा है, स्लिप पॉइंट लगा है, शॉर्ट टेक लगा है, तो बल्लेबाज हमेशा ध्यान रखता है कि भाई ये तीन लोग इतने आपके पास रहते हैं कि अगर वो सांस भी ले रहा होता तो आप फील कर सकते हो कि सांस गहरी सांस उसकी चल रही है, इतने करीब होते हैं। टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ जी जी, तो जी वहाँ बहुत सुनने को मिला आई सगोरे, कोई भी बॉल बीट हो गया आई सगोरे आई सपत ऐसा भी बोलते रहे। हाँ। आप भी ज्यादा गाली वाली नहीं देते, आप पिताजी बन गए तो ऐसे थोड़ा सा वो करते हैं अपने आप को होल्ड बैक करते हैं। नहीं गाली बकने की जरूरत नहीं पड़ी जी, क्योंकि एक तो मेरा जो एक स्वभाव है वो थोड़ा शांत है। अच्छा। हाँ तो मैं भी ना थोड़ा शारीरिक हाव भाव से काम ज्यादा करता हूँ। अरे वाह, आई कांटेक्ट कर लिया। बस वही है सारा। मेरा बेटा बेटी जी। अगर वो लोग ज्यादा कुछ कर रहे हैं तो आँख दिखा दी बस, क्योंकि आँख ने मेरी माँ दिखा दी थी मुझे। हाँ, हाँ, उनकी वो जो चेहरा है बोलने की आवश्यकता ही नहीं है बॉस, उसमें समझ गया आदमी। किसी मेहमान के आ गए, मेहमान अब कुछ खाना लेके आएगा, समोसा लाया तो हम लोग तो बदमाश थे ही। हाँ। जैसे ही लाया वो हाथ डाल दिया वहां, और मेरी मम्मी। हाँ। मेरी और उनकी आंख अगर मैंने देख ली। हाँ। वापस रख दो, अच्छा बैठ जाओ ऐसे। बढ़िया बढ़िया, नहीं तो घर पे आके इतनी सुताई होगी ना। नहीं, सुताई होगी, मैं सहम जाता हूँ ऐसे। उनकी जो निगाह थी ना बिल्कुल, तो बोलने की आवश्यकता नहीं है वहां ना, ज्यादा लोग काम यूपी इलाहाबाद में लखनऊ में ज्यादा ना ऐसे बातचीत करके गुस्सा नहीं निकालते। हाँ। वो देख भी लिया ना,
बस समझ जाओ भाई डेंजर मामला है। हाँ, कहीं तो पान भी दबाए होंगे ना, तो मतलब आगे अरे जब बात आप रहे ये क्या बहुत सही वक्त पे याद दिलाया ये बात क्योंकि मूवी एक्चुअली मेरे भाई और भी जो दोस्त सोचते हो वहाँ पे कानपुर जाओ अगर कानपुर में है पूरा एक कार्यक्रम है भाई वो। पान इज नॉट जस्ट अ पान, देखिए आप लोग जो समझते नहीं है यूपी के नहीं है उनको मैं बता देता हूँ कार्यक्रम पूरा कार्यक्रम है वो, पूरा नियम अनुसार खाने के बाद टोली सी निकलती है सब अपनी बाइकें निकालते हैं लौंडे और जाते हैं और यही काम करते हैं भाई। ये बताओ फिर यूवी पाजी तो मेरे को ऐसा लगता है बड़े खाने के शौकीन रहे होंगे आदमी, मतलब उनके साथ तो आपकी गेड़ी निकलती होगी फिर नहीं। युवराज सिंह अरे पंजाब से आता भाई पंजाब के पानी में ही वैसा है कि बंदा ना वो अंडर 16 हम लोग साथ में खेल रहे थे जी। मैं इतना छोटा हाँ। वो इतना बड़ा ओके ओ है वो भी 15 साल का जी। बस क्योंकि पानी पंजाब का ऐसा कि लगता है हम लोग जब अंडर 16 खेलते थे यूपी वर्सेस पंजाब हाँ। तो यूपी के भी अफकोर्स बड़े बड़े लोग पर पंजाब के तो वो बंदा ना वो दाढ़ी मूछे लेके अंडर 16 खेलने आया। मैंने कहा यार इतने बड़े बड़े लोग के साथ साथ में खेलना है तो वहाँ का पानी ऐसा है हाँ। पंजाब का आपकी पैदाइश पंजाबी जो गबरू जवान जो लोग हम मूवी में बहुत सुनते हो पिक्चर में कि बहुत हाँ। जबान का इस्तेमाल होता है गबरू पंजाबी मुंडा या वो सही बात है। अच्छा वो युवराज सिंह सब के साथ में देखा है कि भाई वो 15 साल में ही बिल्कुल भट्टा कट्टा ऐसे जवान मस्त तो आप लोग निकलते थे खाने पीने के लिए मतलब शौकीन है कि नहीं। युवराज सिंह को शौक था रात को ना बढ़िया हेयर जेल लगा के अच्छा अच्छा कपड़े वपड़े डाल के उसको फैशन का बहुत आइडिया था। हाँ भाई हीरो टाइप दिखते बहुत, हैं बहुत हाँ। हम लोग तो यूपी से थोड़ा गवार टाइप के आए थे हमें तो कोई काला पैंट जी ऊपर कोई भी कलर नीचे स्पोर्ट्स शूज डाल के शुरू में वॉक करते थे। अच्छा जॉगर और जॉगर के नीचे सॉक्स नहीं हाँ। हमारे यूपी में कल्चर था कि सॉक्स नहीं पहनना है ना ये क्यों है मैं भी ऐसा किया करता था काफी दिन पर जब युवराज सिंह के साथ उठना बैठना हुआ मेरा तो स्टाइल आ गया भाई एक से एक परफ्यूम अच्छा बॉडी स्प्रे महकना आपको रात में महकना होना महकना चाहिए महके बंदा ना शरीर से अच्छी सुगंध आनी चाहिए। वाह यार मैंने कहा यार ये चीज तो मैंने कभी ट्राई नहीं करी है तो वो बढ़िया हेयर जेल ना हाँ। लगा के उसका अगर आप रूम में चले जाओ तो वो जो जो उसका जो बाथरूम है जी वहाँ अलग अलग टाइप के हेयर जेल वाह बॉडी स्प्रे डिओड्रेंट्स है ना परफ्यूम्स और मतलब शौकीन आदमी हाँ हाँ क्रीम व्रीम पूरा भरा आपको मिलेगा पूरा शौकीन आदमी बिल्कुल हाँ। उसको रात को जब वो शाम को निकलना खाने के लिए एक दोस्तों से मिलना तो बिना तैयार होकर नहीं निकलेगा वो हाँ। वो जूता होता बिल्कुल गुची अरमानी उस टाइम से उसका स्टार्ट था। अच्छा ही हाँ हाँ अरे बहुत बहुत फैशनेबल था शुरू में हमें फैशन का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था सेंस नहीं था हाँ। पर साथ में रह रहे के हम भी फिर बोले ना वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलना सीखता है सही बात है तो हम भी फिर अब देखो ये मस्त लग रहा है सूट बूट में आ गए अब यहाँ पे ऐसा लोअर परेल में है तो ऐसा लग रहा है आप उतर के चलने लग जाए कॉर्पोरेट एम्प्लॉय समझ लें आपको कोई कभी सोचे भाई क्रिकेट नहीं तो क्या अगर नहीं यार कभी नहीं सोचे नहीं क्रिकेट नहीं तो अभी वो रिंकू सिंह का अगर इंटरव्यू सुनोगे उसने बोला है बात कि वो कहीं छोटा मोटा काम करते थे स्कूल में ना पोछा लगाना तो ये हर उत्तर प्रदेश के प्लेयर की कहानी है खेल नहीं तो फिर क्योंकि इतना कुर्बानी दे के आते हैं ना वो पूरा सेक्रीफाइस करते हैं स्कूल जाना होता नहीं क्योंकि इतने वेल्दी बैकग्राउंड से नहीं आते कि जहाँ उनका ना बैकअप हो या कोई बैकअप हो बिजनेस वाली फैमिली है या माता पिता पिताजी ने बहुत बड़े कोई अहदे पे काम कर रहे हो कि हाँ भाई ये अगर क्रिकेट नहीं हुआ तो ये देखिए ऑप्शन है ऑप्शन हुआ नहीं है मेरे ख्याल से वो ऑप्शन ना होना भी एक वो है मोटिवेटर तभी मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। अगर मेरे के पास अगर विकल्प होता कि यार ठीक है 3-4 साल ट्राई करता हूँ नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगा क्योंकि 3-4 साल में कोई प्लेयर नहीं बनता है ये तो फिर सालों की मेहनत है यार 2 घंटे सुबह दोपहर शाम क्योंकि इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कंटिन्यूस प्लेयर इवॉल्व होता है कोई 1 साल में होता है कोई 2 साल कोई 4-5 साल तो कोई इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि भाई तुम्हें मैंने 2 साल दिया अब तुम यहाँ हो जाएगा ये खेल में नहीं होता है निश्चित नहीं है तो विकल्प नहीं था ना रिंकू के पास था ना मेरे पास था। भाई वीरूपाजी के साथ कमेंट्री करते हो कैसा लगता है मतलब पूरा आपका रियूनियन चल रहा होता है आधा तो स्टार पे सारे अपने टाइम के लोग हाँ वीरूपाजी और हम कमेंट्री एक्चुअली
कमेंट्री की तरह हम करते नहीं है, हम लोग कोई वहाँ रूल फॉलो नहीं करते। कान में प्रोड्यूसर बोलता रहता है भाई कट कट कट, हमें आगे एड पे जाना है, ब्रेक पे जाना है, हम लोग आज शुरू हो गए ना बस। वीरू भी नहीं रुकता, हम भी नहीं रुकते, चलने दो। तो ये अलग फ्लेवर है। हाँ जी, अगर आप हर चीज को नियम से करोगे तो फिर यार सब लोग एक समान दिखेंगे ना। सही बोले। तो आपको हर तरीके का फ्लेवर चाहिए, कॉमेंट्री में भी, शोज में भी। तो वीरू के साथ वही है, वो भी अपने एक लाइन पकड़ के अगर वो आगे बढ़ गया तो वो कहानियां किस्सा लेके आता है, वो कमेंट्री की तरह नहीं करता कमेंट्री। हम लोग वही है, मैं भी अगर यूपी से आता हूँ तो मैं चाहता हूँ ऐसे घर में हिसाब से बात कर रहा हूँ, यही कमेंट्री है। यही माइक पकड़ के ऐसे ही इरफान पठान यहाँ बैठे हैं या सहवाग यहाँ बैठे, भज्जी यहाँ बैठे हैं, तो मैं तो मैच चल रहा पर यहाँ ऐसे हम बात कर रहे होते हैं। हाँ अच्छा देखा शॉट देखा, अच्छा तुम आप बताओ बताओ। तो ऐसे घर में तो चार लोग चार भाई पे बैठ गए, सामने चाय आ गई, जिस प्रकार हम टीवी देखते हैं वैसे ही उस प्रकार आप चालू हैं अपना। तो वो तरीका मुझे पसंद भी आया, लोग भी पसंद कर रहे हैं, हमको पसंद भी आ रहा है भाई, इसीलिए बहुत बहुत रिव्यूज मिलते हैं। खेल के बाद अब कमेंटेटर बन गए हैं तो वहाँ भी लोग काफी सराहना करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो बहुत प्यार मिल रहा है यार। क्रिकेट फैमिली के साथ परिवार के साथ देखने का ना यही आनंद है। जी जी जी, कि अपने पाप बाबू जी कुछ बोल रहे हैं अपना, कई बार आपका उनका मेल नहीं बैठ रहा, भाई अलग लग रहा है, भाई बोल रहा है नहीं भाई आप क्या सोच रहे हो, राइट, और फिर आप अलग सोच रहे हो, बट तीनों बैठ के देख रहे हैं, उसका मजा मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। चलो भाई थैंक यू बॉस, आपके लिए और डेढ़ पेज के क्वेश्चन बचे थे, वो हम अगली बार करेंगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे, थोड़े और मतलब और बचे, मजा आ गया ना।